Hello students, welcome to Parishram Vigyanam. In this video we are going to discuss about carbohydrate. In our previous video we have already discussed about the introductory part of biomolecules and lipids ke bare mein bhi discuss kiya tha. So let's begin. So carbohydrate hota kya hai? The one we used to take in our food that gives us energy is carbohydrate. अभी carbohydrate का कुछ classifications देखेंगे, कुछ types of carbohydrate का structures देखेंगे, okay? So first, let us see the classification of carbohydrate based on the number of sugar unit present, okay? So carbohydrate will be divided into three parts, okay? Three types. Carbohydrate तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. इट विल बी ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स. ओके, कितना शुगर यूनिट है? हाँ, तो फर्स्ट हो गया मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जिसमें वन शुगर यूनिट होगा, शुगर यूनिट. एंड सेकेंड हो जाएगा ऑलिगोसैकेराइड, विच विल हैव 1 to 10 शुगर यूनिट्स. एंड थर्ड वाला हो जाएगा हम लोग का पॉलीसैकेराइड्स. विच विल हैव मोर देन 10 शुगर यूनिट्स. यहां तक बात क्लियर है? क्लियर? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. क्लियर? अभी मोनोसैकेराइड का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसमें आ जाएगा ट्रायोस शुगर. ट्रायोस शुगर में दिस मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन, कितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. हाँ, तो इसमें इस शुगर में ट्रायोस शुगर विच इज अ मोनोसैकेराइड, इसमें हो जाएगा 3 कार्बन का. दिस ट्रायोस शुगर इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन. क्लियर? वैसे ही ट्रायोस, उसके बाद आ जाएगा टेट्रोस, टेट्रोस शुगर, इसमें कितना होगा? इसमें 4 हो जाएगा, 4 कार्बन से बना होगा. क्लियर? शुगर से नहीं, इसमें एक ही शुगर यूनिट होगा बट इसमें कार्बन वैरी करेगा. हम जैसे ट्रायो शुगर में 3 कार्बन, टेट्रोस में 4 कार्बन, पेंटोस में, पेंटोस शुगर में 5 कार्बन, उसके बाद हेक्सोस शुगर में 6 कार्बन, लाइकवाइज हेप्टोज वैसा हो जाएगा. हाँ, अभी इसका इसमें और भी एग्जांपल्स देखते हैं. रेड कलर से करती हूँ. ट्रायोस शुगर में एक हो जाएगा, ट्रायोस शुगर का एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड. एक हो जाएगा ट्रायोस शुगर में ग्लिसरैल्डिहाइड. स्ट्रक्चर में ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर 1 by 1 डिटेल में समझाऊंगी. हाँ, 3 कार्बन का हो गया, उसके बाद पेंटोस जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वही मैं इधर दिखा रही हूँ. हाँ, उसके बाद पेंटोस शुगर जो 5 कार्बन का है, इसमें आ जाएगा राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हेक्सोस शुगर में आ जाएगा, क्या होगा गेस करो? ग्लूकोस C6H12O6. ओके, सो इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भी आ जाएगा. डू यू नो दैट द स्वीटेस्ट शुगर इज द फ्रुक्टोज शुगर? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इज द फ्रुक्टोज शुगर. क्लियर? यहां तक क्लियर है? एक बार देख लो. ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं ऑलिगोसैकेराइड में. इसमें क्या होगा? इसका अंदर में डाइसैकेराइड आ जाएगा,
डाइसैक्राइड मीन्स व्हाट? टू टू शुगर यूनिट्स होगा, बिकॉज 1 to 10 शुगर यूनिट्स दिया है, इसमें 2 शुगर यूनिट्स आ जाएगा. शुगर यूनिट्स को एसयू करके लिखा है मैंने. डाइसैक्राइड ट्राइसैक्राइड आ जाएगा, ट्राइसैक्राइड जो 3 शुगर यूनिट से बना होगा. टेट्रासैक्राइड आ जाएगा, इसमें 4 शुगर यूनिट से बना होगा. ये शुगर यूनिट से बना है और ये देखो नंबर ऑफ कार्बन से बना है, बिकॉज इसमें एक ही शुगर यूनिट होगा बट नंबर ऑफ कार्बन वैरी करेगा. बट इसमें ऑलिगोसैक्राइड में 1 से 10 तक जितने भी शुगर यूनिट हो सकते हैं, जैसे डाइसैक्राइड में 2 शुगर यूनिट्स है, ट्राइसैक्राइड में 3 शुगर यूनिट्स है, टेट्रासैक्राइड में 4 शुगर यूनिट्स है. क्लियर यहाँ तक? ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉलीसैक्राइड का. इसमें हो जाएगा सेलुलोज आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा, काइटीन आ जाएगा, ग्लूकागॉन आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, सॉरी ग्लाइकोजन आ जाएगा. उसके बाद स्टार्च आ जाएगा. क्लियर है? सेलुलोज, इंसुलिन, काइटीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च आ जाएगा पॉलीसैक्राइड. पॉली मीन्स मेनी, इसमें मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होते हैं. क्लियर? वन बाय वन इन डिटेल्स, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का, राइबोज का, इन सब का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लो. अभी देखते हैं, वीडियो चालू है. हाँ, कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू. एक तो हो जाएगा एल्डोज शुगर एंड एक हो जाएगा कीटोज शुगर. यहां तक क्लियर है? आई टेक अ डिफरेंट मार्कर. ओके, अभी एल्डोज शुगर में क्या होता है, जो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन होता है दैट विल अटैच टू अ एल्डिहाइड ग्रुप. This is an aldehyde. CHO is an aldehyde. समझ में आया? The first carbon में एक aldehyde group attached होके होता है. Clear? यहाँ तक? Okay. For example, let us see. Glyceraldehyde एक हो जाएगा example. एक हो जाएगा ribose हो जाएगा. एक हो जाएगा glucose. स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखेंगे अभी. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर मार्कर. अभी देखते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड जो, इसमें 3 कार्बन होते हैं, राइबोज में 5 कार्बन, क्लियर, ग्लूकोज में 6 कार्बन. ये लॉन्ग चेन बना के आई विल शो यू दैट फर्स्ट कार्बन में CH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. ये CH ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एल्डोज शुगर. क्लियर? अभी ग्लिसरेल्डिहाइड का डायग्राम बनाती हूँ. ये 3 कार्बन बना दिया, 1, 2, 3. फर्स्ट कार्बन में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा. दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, अटैच कर दिया. अभी जस्ट यू हैव टू पुट OH, इस साइड में OH पुट करो और इस साइड में हाइड्रोजन पुट करो. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लिसरेल्डिहाइड. यहाँ तक क्लियर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लिसरेल्डिहाइड. अभी देखो राइबोज और ग्लूकोज का सेम सिमिलर टाइप में बनाना है, बस 5 कार्बन देना है, 1, 2, 3, 4 and 5. क्लियर? पुट द एल्डिहाइड ग्रुप इन द फर्स्ट कार्बन, देन OH, यहाँ पर भी OH डालना है, OH, देन H, दिस साइड हाइड्रोजन यू हैव टू पुट टू कंप्लीट द वैलेंसी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का राइबोज शुगर. क्लियर? सिमिलरली ग्लूकोज का मैं बनाती हूँ 6 कार्बन का, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Then इधर aldehyde put कर दो aldehyde CHO group aldehyde group in the first carbon. उसके बाद OH डालो right hand side में OH सब में. यहाँ तक clear है? ये हो गया हम लोग का structure of a glucose यहाँ तक. Is it clear to you? Aldo sugar का तीनों important example with diagram मैंने समझा दिया. First carbon में aldehyde group present होता है. Clear? Just check it once. Okay? अभी देखो ketones में आते हैं. Keto sugar में क्या होगा? जैसे इधर फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें सेकंड कार्बन में क्या होगा? एक कीटोन ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा. दिस इज अ कीटोन ग्रुप व्हिच विल बी प्रेजेंट इन द सेकंड कार्बन में होगा. ओके, नॉट इन द फर्स्ट कार्बन, इट विल बी इन द सेकंड कार्बन. क्लियर? एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कीटो शुगर. अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल आ जाएगा डाई dihydroxyacetone, which is a 3-carbon sugar. उसके बाद आ जाएगा fructose. Okay, देखो अभी structure बनाओगे. ये हो जाएगा 3-carbon वाला, ये आ जाएगा 6-carbon वाला. देखो glyceraldehyde is a 3-carbon, but इसमें first carbon में क्या है? Aldehyde है. Dihydroxyacetone is also 3-carbon, but इसका second carbon में क्या है? Ketone है. ये glucose is a 6-carbon and fructose is also a 6-carbon, but the difference is क्या है difference? Glucose में aldehyde group है first carbon में, और fructose में second carbon में ketone group है. Clear? अभी dihydroxyacetone का मैं diagram बनाऊंगी. 3-carbon, I have put 3-carbon, ketone group put कर दो. इसका valency पूरा बैलेंस है, ये कार्बन 1, 2, 3, 4 चार बैलेंस ही होता है कार्बन का, चार बैलेंस्ड है. इसमें OH डालो, इसमें H डालो, हो गया. ये स्ट्रक्चर हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का. क्लियर है? इजी. यहाँ तक क्लियर है बात? अभी देखते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर. 6 कार्बन, 6 कार्बन लिख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, क्या बोला था? सेकंड कार्बन में 1, 2, सेकंड कार्बन में क्या है? कीटोन ग्रुप है. ओके, जस्ट पुट OH, H, एक्सेप्ट पुट करो. इसमें H, OH आ जाएगा, ये उल्टा होगा. उसके बाद OH, 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 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. एंड फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर. क्लियर? ये आ जाएगा आपका डायग्राम ऑफ फ्रुक्टोज. यहाँ तक क्लियर है सब? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी मैं ग्लूकोज का डायग्राम बनाऊंगी, लॉन्ग चेन ग्लूकोज का. ग्लूकोज इज 6-carbon, C6H12O6. ओके, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं 2 ग्लूकोज का डायग्राम बनाऊंगी सिमिलर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-carbon वाला ग्लूकोज है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ऑलरेडी बात किया है इसके बारे में. जस्ट पुट OH ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, उसके बाद H ग्रुप हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया है. ये हो गया ग्लूकोज. सिमिलर स्ट्रक्चर मैं फिर से बनाऊंगी. एल्डिहाइड ग्रुप इन द फर्स्ट कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सिमिलर स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ओके, OH ऑन द राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया. इसमें एक चीज समझाने के लिए मैं बनाई हूँ सेकेंड लास्ट कार्बन. सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है, जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है, दिस विल बी द सेकेंड लास्ट कार्बन. सेकेंड लास्ट कार्बन में जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड में हो, व्हेन द OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, दिस OH ग्रुप ऑन द
राइट साइड में है तो ये कौन सा फॉर्म होगा ग्लूकोज का, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे इसको, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. व्हाट डू मीन बाय डी? डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म. दिस इज द डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज व्हेन द ओएच ग्रुप इज ऑन द राइट साइड. क्लियर है? अभी जब OH ग्रुप, जैसे मैंने क्या बोला था, यू हैव टू सी द सेकंड लास्ट कार्बन नीचे से, हाँ, इसमें भी सेकंड लास्ट कार्बन में जस्ट हैव टू चेंज इट, जस्ट पुट OH हियर, चेंज कर दिया. देखो OH ग्रुप हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, OH ग्रुप हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. इसको क्या बोलेंगे? एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एल फॉर्म. दिस वन वॉज डी फॉर्म, दिस वन इज द एल फॉर्म. लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एल फॉर्म जिसको बोलेंगे, लेवो रोटेटरी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस विल बी डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज. यहां तक क्लियर है? सेम है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बट टू डिफरेंट फॉर्म्स है. वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड वन इज लेवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म एंड लेवो रोटेटरी एल फॉर्म. डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है, राइट साइड में OH ग्रुप होता है, कहां पर? सेकेंड लास्ट कार्बन के. और लेवो रोटेटरी में क्या होगा? लेफ्ट साइड में, एल फॉर लेवो रोटेटरी, एल फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में OH होगा. क्लियर है यहां तक? अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का दो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वन इज ऑफ ग्लूकोज एंड वन इज ऑफ राइबोज. अभी ग्लूकोज का, ग्लूकोज शादी चल रहा है, सो डोंट माइंड, शादी का सीजन है. राइबोज, ओके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O6, होपफुली आप सुन सकते. देखो ये एक ग्लूकोज है, हाँ, जिसमें OH नीचे है, फर्स्ट कार्बन. इसमें एक कार्बन होगा हियर, दिस इज द फर्स्ट कार्बन जिसमें OH नीचे है. जब OH नीचे होगा फर्स्ट कार्बन में साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज, ये हो जाएगा रोका क्या, अल्फा ग्लूकोज. अभी सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर में बनाऊंगी, ओके, OH सेम ही होगा, बट इन द फर्स्ट कार्बन इट विल बी डिफरेंट, इसमें उल्टा हो जाएगा. इसमें मैंने क्या किया है, OH ऊपर में है, OH ऊपर में आ गया, ओके. तो जब OH ऊपर में हो तब ये बीटा ग्लूकोज बोला जाएगा. क्लियर है? When OH will be downward in the first carbon, when OH will be downward in the first carbon, then it will be called the alpha glucose. When OH will be upward in the first carbon, then it will be called the beta glucose. Clear?
क्लियर यहाँ तक? ओके, और ये एक पाइरेनोस स्ट्रक्चर है, पाइरेनोस स्ट्रक्चर। अभी पाइरेनोस स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसमें 6 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, इसको पाइरेनोस स्ट्रक्चर बोला जाएगा। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पाइरेनोस स्ट्रक्चर। इसका दो फॉर्म है, अल्फा बीटा चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो फॉर्म है, एक अल्फा ग्लूकोज एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में OH जो कार्बन फर्स्ट कार्बन में नीचे होगा, एंड इसमें बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, अभी देखो राइबोस का स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, राइबोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंस इट इज 5 कार्बन, हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। सेम इसका भी अल्फा एंड बीटा फॉर्म होगा, इसमें ऑक्सीजन दे दिया, पुट कर दिया ऑक्सीजन, देन CH2OH H HOH H HOH। अभी इसको क्या बोलेंगे, अल्फा या बीटा? अल्फा, बिकॉज OH नीचे है फर्स्ट कार्बन में, सो अल्फा राइबोस, राइबोस स्ट्रक्चर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द अल्फा राइबोस। सिमिलर स्ट्रक्चर विल बी मेकिंग यहां HOH, इसमें मैंने OH को ऊपर रखा है, सो दिस वन विल बी कॉल्ड बीटा राइबोस, राइबोस बीटा राइबोस। I'll mark it with red so that ये highlight हो जाए। OH नीचे है first carbon में, therefore it is called the alpha ribose। OH first carbon में ऊपर है, therefore it is called the beta ribose। यहाँ तक clear है? Okay। अभी देखो, जैसे pyranose structure है वैसे और एक structure है, furanose structure। अभी फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें जिसमें 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, उसको पाइरेनोस फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और पाइरेनोस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, विच इज इसमें एग्जांपल आ जाएगा ग्लूकोज का। एंड फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, ये 10 नहीं है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल राइबोस। राइबोस और ग्लूकोज जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा एंड बीटा फॉर्म होगा। जैसे देख लिया, अल्फा फॉर्म में OH इज नीचे में, विल बी डाउनवर्ड वेयर इन द फर्स्ट कार्बन, एंड बीटा स्ट्रक्चर में OH विल बी अपवर्ड इन द फर्स्ट कार्बन। क्लियर यहां तक? ओके, अभी बस एक लास्ट टॉपिक बचा है अबाउट द पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसमें मैंने क्या बोला था, that it is made up of more than 10 sugar units, 10 sugar units, more than 10 sugar units से ये बना होता है। एग्जाम्पल भी देखा था, एक एक examples थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अभी। ओके, अभी देखते हैं फर्स्ट जो काइटीन, काइटीन जनरली होता क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में होता है, इवन सेल वॉल ऑफ फंगी में होता है। कहाँ कहाँ होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, सेल वॉल ऑफ फंजाई में होता है काइटिन। ओके, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर में, अबाउट द काइटिन। अभी ये फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, मीन्स ये फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज से इंसुलिन, और मैंने क्या लिखा ये एल आई, इंसुलिन बनता है। ओके, ये ज्यादा लगा दिया, सॉरी। ओके, इट इज
formed from the polymer of fructose, insulin. यहाँ तक क्लियर है, एंड फ्रुक्टोज इज द स्वीटर शुगर. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा सेलुलोज. हम लोग जानते हैं सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स और एल्गी. प्लांट्स एंड एल्गी में का सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, एंड दिस इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज चेन से ये बना होता है. मीन्स बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया था. बीटा ग्लूकोज का जो एक चेन स्ट्रक्चर होगा वो फॉर्म करेगा हम लोग का सेलुलोज. यहाँ तक क्लियर है. ओके, द नेक्स्ट विल बी स्टार्च. स्टार्च आ जाएगा. स्टार्च इज द क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज फॉर्म. एनर्जी इज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेयर, इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो एनर्जी और द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. क्लियर है. और ये हो जाएगा पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर से बना होगा जो स्टार्च है, विच इज अ स्टोरेज फॉर्म इन केस ऑफ इन प्लांट्स. क्लियर है. The last one, let's see, the fifth one, glycogen भी polymer of alpha glucose से बना है. polymer of alpha glucose, and this is the storage form in case of animals में जो energy store होता है in the form of ग्लाइकोजन. यहां तक क्लियर है. दिस थ्री सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस वन इंसुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. यहां तक क्लियर है. ये मैंने शॉर्ट से समझा दिया है अबाउट द पॉलीसेकेराइड, जिसमें क्या होता है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होता है. क्लियर. This is the end about the carbohydrate. Basic मैंने important चीज बता दिया है. And one more thing left. अभी जो carbohydrate होता है, carbohydrate is what? Sugar. Carbohydrate is sugar होता है कि नहीं? तो अभी sugar test के लिए हम लोग क्या क्या test कर सकते हैं to find out sugar in urine suppose. Okay, so इसमें हम लोग करते हैं Benedict test. बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं और फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं. ये मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें डिटेल्स में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या हम लोग रिएजेंट्स लेते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसका टेस्ट रिजल्ट्स निकालते हैं. ओके, टू फाइंड आउट शुगर और कार्बोहाइड्रेट. ओके, इन केस ऑफ यूरिन वी कैन टेक यूरिन सैंपल. क्लास 11 में यूरिन है प्रैक्टिकल में, इसमें हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट शुगर एंड यूरिन. क्लियर है यहां तक. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग.